सो गाइस, इट इज़ ओवर। मतलब कि यार, 4 साल इंतज़ार किया। मुझे भी अभी भी याद है वो 2019 का टाइम कि जब हम वर्ल्ड कप हारे थे और वो मतलब कि 1-1 पे आउट हो गए थे। रोहित शर्मा, के एल राहुल, विराट कोहली, फिर धोनी, फिर जडेजा ने जो खेला था, मतलब कि वो ज़ख्म गए नहीं थे और एक और ज़ख्म मिल गया 2023 का। मुझे लगा था कि भाई ये वर्ल्ड कप तो भाई हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि एक तो इंडिया में हो रहा था, सारे मतलब कि अभी तक 2011 से जितने भी मतलब कि वर्ल्ड कप हो रहे हैं सारे अपनी मतलब कि होम कंट्रीज़ में जीत रहे हैं। 11 में इंडिया में जीते, 15 में ऑस्ट्रेलिया में, फिर 19 में इंग्लैंड में। मुझे लगा ये इंडिया में जीतेंगे, इंडिया में हो रहा तो इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप, और ऊपर से जिस तरीके से ये टीम खेल रही थी इंडिया वाली वो जीतेगी, और ऊपर से जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, ग्रीन लोबो नाम का एक एस्ट्रोलॉजर है, वो भी कह रहा था कि भाई इंडिया जीतेगा क्योंकि रोहित शर्मा इज़ बॉर्न है, ऐसा ऐसा कह रहा था वो। तो भाई हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, इंडिया जीती नहीं, इंडिया हार गई। 10 मैच इंडिया लगातार जीतती हुई आई और उसके बाद 11वां मैच था वो इंडिया हार गई ऑस्ट्रेलिया से। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा। मुझे देखो, फाइनल अहमदाबाद में था और जिस तरीके से इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मतलब कि जो सेमीफाइनल जीता था और जिस तरीके की इंडिया की बॉलिंग है, मुझे लगा था कि हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे ये मैच। मेरे को इंतज़ार था कि यार फाइनल आएगा, फाइनल का इंतज़ार कर रहा था मैं कि भाई और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपना सेमीफाइनल खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मुझे लगा हम जीत जाएंगे बहुत आसानी से। बट अहमदाबाद का एक मेरे दिमाग में डर था, जब अहमदाबाद में फाइनल होना है, अहमदाबाद में पहला मैच हुआ था जिसमें कि इंग्लैंड ने 280 का टारगेट दिया और न्यूजीलैंड ने काफ़ी जल्दी उसे चेज़ कर लिया। और उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया ने बढ़िया तरीके से किया, मतलब फर्स्ट बैटिंग वाले दोनों मैचों में हारे थे। एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाला शायद, मे बी, जो कि हार गए थे शायद, उसमें फर्स्ट बैटिंग शायद जीती थी, वही मैच था। और बाकी और मुझे मैच उसका पता नहीं है, बट ये जो मैच थे दो, इंडिया पाकिस्तान वाला, ये अहमदाबाद में चेज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है बाद में, स्टार्टिंग में मतलब कि चेज़ करने वाली टीमें जीतती हैं अक्सर। तो मुझे डर था इस चीज़ का कि भाई पहले बैटिंग करनी चाहिए कि चेज़ करनी चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए और किस तरीके की पिच बनाएंगे। ये इंडिया का फाइनल था। अगर ये पिच में सिंपल बात में बोलूँ, देखो ये शायद वीडियो लंबी हो सकती है, बट ये इंडिया का फाइनल था अगर ये पिच बढ़िया बनाते, बैटिंग ट्रैक देते। ये इंडिया का फाइनल था यार मुंबई में बैटिंग ट्रैक मिला, इंडिया ने 6 रन किए, न्यूजीलैंड कर नहीं पाई वो 6 रन, कि इतने ज़्यादा रन कर दिए थे इंडिया ने। इंडिया की अच्छी बैटिंग थी, तुमने स्पिनिंग ट्रैक लेके आए, स्लो विकेट बनाई ताकि ऑस्ट्रेलिया फंसे, हम खुद ही फंस गए। हमें भी तो प्रॉब्लम होएगी ना उस ट्रैक में, हमारी बॉलिंग उनसे काफ़ी अच्छी है, इंडिया की बॉलिंग उनसे काफ़ी अच्छी है, हम एक अच्छी जहाँ पे मार पड़ती है उस विकेट पे हम रन रोक सकते हैं। बट ये विकेट तो बहुत ही अजीब तरीके से काम की फर्स्ट हाफ में, तो भाई मतलब कि इंडिया की इतनी मुश्किल हो गई थी, बॉल का कलर ग्रीन हो गया था, मैं देख के हैरान था भाई, और रिवर्स स्विंग हो रही थी, बैटिंग करना बहुत मुश्किल था, और ऊपर से उनकी फील्डिंग बहुत बढ़िया। अगर ये ऑस्ट्रेलिया को टारगेट सेट करने को मिलता तो मैं कहता हूँ कि 200 चेन्नई वाला हाल ही होता, 200 पे पैक थी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने फिर भी 240 मारे हैं, हालांकि उनकी इसमें अच्छी फील्डिंग थी। इतने मुश्किल था स्टार्टिंग में यहाँ पे स्कोर करना, और बाद में तो भाई इंडिया ने विकेट ली जो बाद में वो स्विंग के कारण ली, सिर्फ स्विंग खत्म हुई, इंडिया के विकेट के लेने के चांसेस भी खत्म हुए, क्योंकि पिच इतनी अच्छी बन गई थी, बॉल इतनी अच्छी तरीके से आता ना बैट पे, तो जब तू विकेट आने लगता है ना, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई अब विकेट आएगा, मिस हो रही है, वो कहते हैं बीट हो रहा है बैट्समैन, ऐसे ब्रेक हो रही है, मतलब कि सारे चिक्के मारे चांसेस बन रहे हैं, चिक्के चांसेस बन रहे, तो लगता है कि हाँ भाई विकेट आ रही है, बॉल बैट्समैन को खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, जो कि कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाले मैच में हुआ था कि हाँ विकेट आ रही है। बट जब उनकी पार्टनरशिप लग गई थी वहाँ, उसके बाद वो बहुत कंफर्टेबली खेल रहे थे, वो कहते हैं कुलदीप यादव बॉल डाल रहा था, बॉल स्पिन हो रही थी, लबुशेन बैकफुट भी जाकर आराम से सिंगल। मे बी पिच इतनी स्लो थी कि भाई कुलदीप यादव की वो पेस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ना मैंने कुछ बॉलें देखी हैं, पैट कमिंस ने बॉल डाली 140 की स्पीड की, बॉल एक ठप्पे पे पहुंच रही विकेट कीपर के पास, तो शायद वो पिच उसकी बॉल को स्लो कर रही थी, जिसकी वजह से वो उसे टाइम मिल रहा था लबुशेन को ज़्यादा, मे बी ये हो सकता है रीज़न, क्योंकि भर बाद में ड्यू वगैरह का भी काफ़ी चक्कर हो गया, और पूरा मतलब कि मैच मुझे लग रहा था कि शायद इंडिया डिफेंड कर लेगी, कहीं पिच होती है ना ऐसी होती है जैसे कि दुबई में जो पिचेस हमें देखने को मिली,
तुमने 140 का टारगेट दिया, 140 में नहीं बन रहे सेकंड इनिंग्स में। ऐसी पिचें हमें मिली थी दुबई में आईपीएल में, याद करो, स्लो मतलब कि लो स्कोर एनकाउंटर्स हो रहे थे जिसमें चेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मुझे लगा शायद ये उस टाइप की पिच होगी, मतलब कि स्टार्टिंग में जो रन बन गए फिर धीरे धीरे वो और पिच खराब हो रही है, उस टाइप का होगा काम। बट ये बाद में अंडर लाइट्स पिच बहुत बढ़िया होगी बैटिंग के लिए, 300 वाली विकेट बन के आराम से। और इतना मतलब कि फिर हुआ ना कि यार पता नहीं यार क्या भैया, तुम सिंपल अगर बैटिंग ट्रैक दे देती ना इनको। देखो कहते तो हैं ये ICC टूर्नामेंट है और क्या कहते हैं ICC पिचेस बना के देती है, बट मुझे लगता है BCCI का इसमें हाथ है। होम जो है बोर्ड वो कुछ ना कुछ काम करता करता है। तुमने चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया को खिलाया, क्यों स्पिनिंग ट्रैक, इतना क्या डरना है यार उनसे। अगर तुम्हारे पास अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, उनको फ्लैट ट्रैक दो, तुम भी अपनी बैटिंग करो, हम भी अपनी बैटिंग करेंगे, देखते किसकी बैटिंग अच्छी, तुम भी अपनी बॉलिंग करो, हम भी अपनी बॉलिंग करेंगे, देखते किसके अच्छे। फेयर टूर्नामेंट होना चाहिए ना, एक को मुश्किल पिच मिल रही है, दूसरे को आसान पिच मिल रही है, क्या किस टाइप का फेयर टूर्नामेंट हुआ ये। इंडिया इज़ द बेस्ट टीम, मैं तुम्हें कहता हूँ 10 टीमों में से सबसे बेस्ट टीम इंडिया है। ये मैच मुंबई में करा दो इंडिया जीत जाएगी, ये मैच तुम दिल्ली में करा दो इंडिया जीत जाएगी अगर स्लो पिच ना हो, तुम चिन्नरस्वामी में करवा दो इंडिया जीत जाएगी मैच, तुम किसी और ग्राउंड में करा दो, धर्मशाला में भी करवा दो इंडिया जीत जाएगी मैच। बट यार पिच यार कैसी थी अहमदाबाद की, किस टाइप की पिच बनाई उन्होंने मुझे समझ ही नहीं आया। चलो इंडिया तो चलो अपनी परफॉर्मेंस से हारी, बट ये क्या किया यार, एक मौका मिला था हमें 12 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने का और ये सारा एक पिच बना कर उन्होंने खराब कर दिया। और ऊपर से चलो ठीक है बना दी पिच, रोहित शर्मा किस तरीके से आउट हुआ मुझे उस पर इतना गुस्सा आया। लोग कह रहे हैं रोहित शर्मा सेल्फलेस खेल रहा है, ऐसी बैटिंग कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, बेवकूफ़ी किया उसने, बेवकूफ़ी। तुमने तेज रन बना लिए, तुम थोड़ी देर पिच पे रुको यार, तुमने छक्का मारा, तुमने चौका मारा, तुमने फिर खड़ी कर दी बॉल। अरे ये फाइनल मैच है, इतना भी जरूरत नहीं थी हमें तेज खेलने की। अभी वो पहले शुभमन गिल होता था, शुभमन गिल आउट हो गया, तुम भी आउट होके चले जाओगे, 2 विकेट हो गई है, एक नहीं 2 गई हैं, पहले 1 जाती थी। मतलब कि यार रोहित शर्मा ने इतना केयरलेस शॉट खेला ना, वो बड़ी सारी चीज पे पानी फेर दिया उसने कि भाई मैं तेज स्टार्ट देता हूँ, भाई सारा पानी फेर दिया। यहाँ पे एक सेंचुरी चाहिए थी रोहित शर्मा से, 1 सेंचुरी। ट्रेविस हेड ने क्या किया, वो भी तो तेज खेलता है ना, वो भी तेज स्टार्ट के लिए जाना जाता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने तेज स्टार्ट दिया, वो तेज स्टार्ट के लिए जाना जाता है, उसे नहीं खेला गया, उसने गेम ही चेंज कर ली अपनी, मेरे को टीम के लिए खेलना है, ऐसे नहीं हो बनेगा काम, मैं आउट हो जाऊंगा। उसने स्लो खेला स्टार्टिंग में, जब पिच थोड़ी बढ़िया हुई, टीम की हालात ठीक हुई, प्रेशर थोड़ा रिलीज हुआ, फिर उसने अच्छा खेलना स्टार्ट किया। रोहित शर्मा को ये चीज़ समझनी चाहिए थी, रोहित शर्मा की अपनी गलती की वजह से आज वो मतलब कि कल परसों रोके गया, वो जो सीधा गया वो अपनी गलती की वजह से। और क्या तुमने किया यार, उसके बाद सुरेश अय्यर चलो भाई आउट हो गया, गिल भी चलो मैं मानता हूँ चलो आउट हो गया, बनता नहीं था गिल का यार आउट होना यार। तुम यंग, हम फिर विराट रोहित, हमें यंग ये कब जीत, तुम कब करोगे यार यंग लोग काम, गिल को करना चाहिए था, चैंपियन प्लेयर कैसे बनोगे तुम। IPL में तुम इतने रन मार देते हो, उसमें इतने रन मार देते हो। देखो नॉर्मल बायलेटरल सीरीज होती है ना, मेरा होता है कि भाई एक विकेट आउट हो जाए विराट को ले आएगा, उसकी बैटिंग देखने को मिलेगी। आज का मैच में मैं चाह रहा था कि भाई कोई ना आउट हो, आज भाई गिल मारे सेंचुरी, रोहित शर्मा सेंचुरी मारे, मतलब कि बायलेटरल सीरीज में मैं इंतजार करता था भाई आउट ही नहीं हो रहे यार, आउट ही नहीं हो रहे। और जहाँ पे मैं चाहता था कि भाई खेलें, रोहित शर्मा सेंचुरी मारे, हालांकि मैं विराट कोहली फैन हूँ, गिल सेंचुरी मारे, आउट हो गए वो। जब चाह रहा था कि लंबा खेलें तो जल्दी आउट हो गए, नहीं तो ऐसे तो आउट ही नहीं होते ये। तो भाई यार इतना मतलब कि गिल 4 पे वो आउट हो गया, फिर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया, फिर श्रेयस अय्यर भी आते आउट हो गया, 3 आउट हो गए। बैट्समैन कौन बचे हमारे पास, क्योंकि वो जो दिखाते हैं ना कि बैट्समैन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया का फिर भी नज़र आता है, मैक्सवेल है, जॉर्ज इंग्लिश है, पैट कमिंस वो भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, मिचेल स्टार्क वो भी ठीक खेल लेता है, हमारे में रविंद्र जडेजा, और उसके बाद आता है हमारा आगे कहते हैं सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, बुमराह, शमी, कुलदीप यादव, सिराज। एक डर था यार हमारे बैट्समैन में कि भाई अगर उस मोमेंट में एक और आउट हो गया था तो भाई मैच खत्म हो गया था, ये 5-6 बजे खत्म हो गया था। और KL राहुल बहुत शैल में चले गए यार, उसको सिंगल अगर वो रोटेट करता रहता ना, तुम जिस तरीके से चौके ढूंढते हो उस तरीके से तुम सिंगल ढूंढने थे, 40-50 सिंगल्स खेली उसने, 49 या 50 सिंगल्स, अगर उसमें उसने 30 बॉलों में भी रन कर लिए होते, उसने सिंगल ले लिए होते तो 3 रन और होने थे इंडिया के, 240 से 270 का टारगेट होना था, वो 270 अलग माइंडसेट से इंसान चेज करने जाता है। इंडिया को 2011 में भी 270 रन चेज करने थे, इंसान अलग तरीके से चलता है 270 के लिए। और अगर उसमें चौके होते तो 100 स्ट्राइक रेट उसका भी होना था, तो लगा लो तुम फिर साहब 70-80-90-290, मतलब कि 50 रन और जितने इंडिया ने बनाए हैं। बॉलिंग कितनी थी, 40 यार क्या ही मैं बताऊँ यार,
केएल राहुल बहुत स्लो गए, उसके बाद विराट कोहली फिर जिस तरीके से आउट होके गया ना यार, दुख हुआ यार मुझे। मुझे लगा था आज विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, पूरे टच में लग रहा था वो, अच्छे स्ट्राइक आते ही जो चार चौके मारे मिचेल स्टार्क को, मज़ा आ गया देख के यार, सॉरी तीन चौके मारे एक ओवर में। और उसके बाद फिर जो इन्होंने बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया, सूर्य कुमार यादव के लिए की जगह जडेजा को भेज दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की भाई सूर्य कुमार यादव को एंड में तेज़ खेलने के लिए भेजेंगे हम, मतलब कि सारी जगह पे सारे मैचेस में बढ़िया तरीके से करते हैं, फाइनल में आके पैनिक, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, जैसा चल रहा चलने दो यार, हार जा, हारना तो तुमने था ही, तो यार कोई बढ़िया तरीके से हारते यार, जैसे चल रहा चलने दो। बॉलिंग में वो बुमराह और सिराज आते हैं, शमी को लगा दिया आज, कभी इधर से चौका जा रहा है कभी इधर से चौका जा रहा है, वो वाइड हो गया चौका, फिर कीपर के नीचे से उसको लाइन लाइन देखने मिली, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड कप में ओपनिंग में कभी मतलब कि स्टार्टिंग में उसने पावर प्ले में कभी बॉल ही डाली नहीं, बॉल उसको पता नहीं कितना इतना स्विंग हो रहा है, बॉल ऐसे निकल रही है ऐसे निकल रही है, सोचो पावर प्ले में 40-20 रन और कम होते हैं ना, इंडिया ने अच्छी बैटिंग की होती, ये भाई अभी इनको कुछ 40 बॉलों पे 60-60 रन बनाने को होना था इनका, अलग तरीके से चलते हैं भाई, 300 प्लस का ही अलग होता है यार, 300 प्लस मारने रन रेट इतना है, आराम से खेलते हैं, बंदा कभी कभी तेज़ खेलने के चक्कर में एक आधी विकेट दे देता है, पर ऐसा हुआ ही नहीं। और सिराज जब तक आया, सिराज यार स्विंग का फ़ायदा उठाता है, तब जब तक वो आया तब तक कुछ बचा ही नहीं था, सतारवें ओवर में आया वो, थोड़ी देर और कंटिन्यू करके रखते हैं यार शमी या बुमराह के साथ, शमी थक ही बहुत जल्दी जाता है, थोड़ी देर बाद बाहर ग्राउंड के पानी पीने में, ईशान किशन भाई फील्डिंग पूरे वर्ल्ड कप में फील्डिंग के लिए रखा है उसे, ईशान किशन को कुछ नहीं किया उसने, सूर्य कुमार की यादव की जगह ईशान किशन को रखना चाहिए था, ईशान किशन ने जो नॉक खेली थी ना पाकिस्तान के खिलाफ, मज़ा आ गया था देख के, मैं होता मैं ईशान किशन को रखता सूर्य की जगह, मेरा फेवरेट बन गया उसके बाद वो, वैसे ईशान किशन को पसंद नहीं करता था, पर जो उसने नॉक खेली ना वो 87 रन की जो भी थी, फ़ैन बन गया मैं उसका यार, मैं चाहता था कि उसको और खिलाएं, ये बढ़िया हमारे लिए युवराज सिंह जैसा प्लेयर बन सकता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो इनसे चाहती है, बट इनको तो सूर्य कुमार यादव तेज़ रन चाहिए, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रन मारे उसने, 28 बॉलों पे कुछ पता नहीं 17-12 ऐसे कुछ रन मारे उसने, इतना तेज़ खेल के गया, मतलब कि भाई 150 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया सूर्य कुमार यादव, उससे तो भाई उसको स्लो बॉलर बाउंसर डाली जा रहे हैं, वो ऐसे जंपे मार के उससे बज नहीं रही है, मतलब कि यार सूर्य कुमार यादव को मैं कभी फ़ैन था ही नहीं यार, यार जो बंदा T20 में नंबर वन बैट्समैन होकर मतलब कि T20 वर्ल्ड कप में नहीं जिता पाया इंडिया को, वो क्या करेगा यार, पाकिस्तान का मैच आउट हो गया, दूसरा पाकिस्तान का मेलबर्न वाला उसमें भी आउट हो गया, फिर सेमीफाइनल उसमें भी गया, अबे तुम कम बैटिंग करोगे बढ़िया, ये कि पेटीएम ट्रॉफीज़ में तुम अच्छी बैटिंग करोगे सिर्फ, या तेज़ बॉलर यहाँ चौका मारा वो या IPL में या RCB कोई, मेरे को याद है वो मैच, मेरे को सिलेक्ट नहीं कर रहे टीम में, मेरे को टीम में सिलेक्ट, तुम्हें सिलेक्ट कर दिया तूने क्या कर दिया यार, कौन सा ऐसा नॉकआउट मैच है तूने ऐसा खेला भाई, एक मैच था राजकोट वाला था, पर नहीं कौन सा मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन मारे थे और रोहित शर्मा ने कुछ 80 पे आउट हो गया था, मैक्सवेल ने वो कैच पकड़ा था एस एस वाला कैच पकड़ा था, विराट कोहली 50 करके आउट हो गया क्योंकि उसके पर प्रेशर बन गया था, मैक्सवेल ने 5 विकेट ली थी उस मैच में ना इंडिया का थोड़ा दिख गया था कि भाई ये KL राहुल टाइप अगर स्लो पिचेस आ गई ना तो ये फंस जाएंगे सीरियस ईयर KL राहुल टाइप प्लेयर्स, इंडिया को स्लो पिचेस बनाने नहीं चाहिए थी पहली बात तो, क्योंकि वहाँ पे झलक मिल गई थी इंडिया को, मेरा था कि अगर उस मोमेंट में जब सीरियस वो आया था ना क्या कहते हैं सूर्य कुमार यादव, उसने इस उस मैच के पिछले मैच में बड़े तेज़ 70-80 रन मारे थे कुछ तेज़, कैमरन गिल को ऐसे चौके छक्के मार रहा था जिसमें गिल की सेंचुरी भी थी, सुरेश ने सेंचुरी भी मारी थी, तो मेरा था कि अगर इसने आज मैच में इंडिया को जिता दिया ना मैं इसको प्लेयर मान लूँगा, मतलब कि आई एम हिज बिग फैन, मैं इसको भाई ODI में रखो, और वो जल्दी निकल गया, मुझे पता था इतना जल्दी क्योंकि बहुत मुश्किल था यार वहाँ पे, अगर वो मैच जिता देता ना वहाँ से ही इज़ अ चैम्पियन प्लेयर, होता है ना कि ये चैंपियन प्लेयर है, पर अभी थोड़ा ऐसे स्टार्टिंग में यार जैसे धोनी चैंपियन प्लेयर था स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी आउट हो रहा था तो वो बोला मैं शायद ये भी चैंपियन प्लेयर स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे सेटल होने में टाइम लगेगा, बट वो वहाँ पे आउट हो गया यार नहीं जिता पाया, जहाँ पे ज़रूरत थी ना ये क्लच मोमेंट, बैटिंग ट्रैक है सभी रन मार रहे हैं तो भाई उसमें क्या है, जहाँ पे कोई रन नहीं जो धोनी करता है यहाँ पे वहाँ पे तेज़ रन मार के दिखा यार, वहाँ पे बढ़िया खेल के दिखा, चल तू 110 के स्ट्राइक रेट से खेल के दिखा दे, 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के दिखा दे, 100 से खेल के दिखा दे, हुआ ही नहीं यार ऐसा भाई यार,
क्या बात करूँ मैं, गिल को यार प्रिंस, गिल प्रिंस है वो है फलंकाना ढिमकाना, उसका रिकॉर्ड ये वो, नंबर वन बैट्समैन वो याद, एशिया कप का बांग्लादेश वाला मैच जहाँ पे 270 का टारगेट दिया था बांग्लादेश ने हमें, अगर वो गिल मैच जिता जाता ना मान जाता मैं गिल को, गिल सेंचुरी की आउट होकर चले गया। अब ये जो चैंपियन प्लेयर होते हैं ना विराट कोहली टाइप, वो तुमने अगर तुम टिके हो तो तुम मैच जिता के जाओ, सेंचुरी मारी ऐसे सेलिब्रेशन करो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। देखो सेलिब्रेशन फर्स्ट इनिंग्स में बनती है, सेकेंड इनिंग्स में जब तक मैच नहीं जीते ना तब तक नहीं बनती, या तुमने जब तक पूरे मैच अपने टीम को ये लोग पकड़ा के दे दिया, ये लोग पकड़ो मैच पूरा, और उसके बाद तुम ऐसे फिर बनती सेलिब्रेशन की, हाँ भाई वो कोई था ही नहीं यार सेलिब्रेशन करो, मैच नहीं, इंडिया बांग्लादेश से हार गई, उसमें रोहित शर्मा था, उसमें रोहित शर्मा था, केएल राहुल भी था, उसमें कौन प्लेयर नहीं थे, विराट कोहली नहीं था उसमें, उसमें मे बी शायद जडेजा नहीं था, हार्दिक पांड्या भी नहीं था उसमें, रोहित शर्मा था, सारे प्लेयर थे, गिल वगैरह, केएल राहुल, शेष अय्यर तो नहीं था क्योंकि, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा था उसमें, सूर्य कुमार यादव भी, हाँ स्वीप भी मार, बार बार स्वीप भी मारी जा रहा था, सूर्य कुमार यादव भी था। तो भाई प्लेयर यार तुमने टीम देखो आओ यार, तुम्हारा टीम सही थी नहीं क्या कह सकते, सही टीम थी कि नहीं सही टीम थी, वो भी न्यूजीलैंड वाला मैच भी यार शमी ने कुछ कर दिया, नहीं तो कुलदीप यादव तो भाई कुछ कर ही, विकेट ही नहीं मिल रही उसको, एंड में आगे पहनी टीम को क्या हो गया यार समझ नहीं आया। मैं सोच रहा था कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जैसा कोच जिसको सारे पहले डिजास्टर कह रहे थे कि कर क्या रहा है, विराट कोहली को बाहर बिठाई जा रहा है, विराट कोहली को बाहर बिठाई जा रहा है, इसको रख लो, वो कैप्टन, ये कैप्टन, वो कैप्टन, ये प्लेयर, तू भी आ जा, तू भी आ जा, इसको कैप दे दो, उसको कैप दे दो, तिलक वर्मा को कैप दे दो, उसको कैप, मैंने कर क्या रहा है ये। और फिर मैंने सोचा था कि इस टाइप का कोच वर्ल्ड कप ले जाएगा, ये कोच वर्ल्ड कप ले जाएगा, बेहर ये तो भाई फिर तो भाई मास्टर स्ट्रोक है, और वो यार बनता नहीं था इस टाइप का कोच का वर्ल्ड कप लेके जाना, वो इंडिया बढ़िया तरीके कर रही थी वो अलग बात है, बट राहुल द्रविड़ इज़ नॉट अ गुड कोच यार। लास्ट के मैच में पैनिक किया तुमने, दो गलत डिसीजन लिए, एक तो जडेजा वगैरह सूर्य कुमार यादव वाला, और ऊपर से सिराज वाला स्लिप ही रखी हुई तुमने, हार तो जाने थे हमने, स्लिप ही रख देते यार, वो लबुशीन का कैच है जो भी जो कैच गए थे वो पकड़े जाते यार, बहुत ही यार, अब 4 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी यार तभी मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करता था, मैंने वीडियो नहीं बनाई तो साउथ अफ्रीका हारी, मन तो बड़ा था पर यार मैंने क्या वीडियो बनाऊँ यार, वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार मैच था, साउथ अफ्रीका आती ना मैच में तो मज़ा आता है यार देखने में, या न्यूजीलैंड ही आती यार, न्यूजीलैंड से हार जाते, कोई ऐसी टीम से हारे जो वर्ल्ड कप नहीं जीते, ऑस्ट्रेलिया को बोर हो गया, और ऊपर से इतना एटीट्यूड है ना इन लोगों में, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये ऑस्ट्रेलिया वाले, बिल्कुल भी नहीं, जिस तरीके से ट्रॉफी के ऊपर पैर रखा मिचेल मार्श, वो एक क्वेश्चन पूछा कि शाहीन शाह अफरीदी की यॉर्कर अच्छी लगती है कि जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर अच्छी लगती है, पैट कमिंस से कहता शाहीन शाह अफरीदी कि जसप्रीत बुमराह इंडियन है, पता नहीं क्या यार है मैं, क्या सिस्टम है यार, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बनता था यार हारना, ये नो नहीं बनता था, चलो ठीक है हार गए, बट यार क्या पिच दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही मिला था तुमको, पीएम मोदी को बुलाना है, वर्ल्ड का बेस्ट स्टेडियम है, वर्ल्ड का बेस्ट थिएटर तुमने क्रिएट करके रखा है, तो वैसा कुछ होना भी चाहिए, फेयर टूर्नामेंट। अब मुझे समझ में आया कि फुटबॉल को लोग इतना रेट क्यों करते, इतना लोग फुटबॉल क्यों खेलते हैं, क्योंकि यार कुछ ऐसा नहीं है कि बादल आ गए तो गेम बदल जाएगी, एक साइड को एडवांटेज है दूसरी को नहीं है, टॉस पहले बैटिंग, यूएई वाला वर्ल्ड कप क्या गया है यार, T20 वर्ल्ड कप टॉस जीतो मैच जीतो, तुम एक सिक्के तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम्हारी करेगी कि तुम्हारा खेल स्किल तुम्हारी डिसाइड करेगी कि तुम जीतोगे मैच की नहीं, तो यार फेयर गेम नहीं थी यार मेरे हिसाब से, तो यार वर्ल्ड कप ऐसा होना चाहिए था कि ला ये बेस्ट ऑफ थ्री होता ना मैच, इंडिया अगले दो मैच निकाल देता, पक्का निकाल देता अगले दो मैच, साउथ अफ्रीका दो हारने के बाद 3 मैच निकाल के ले गया तो इंडिया तो निकाल लेता अगले दो मैच, इंडिया ने बड़े आराम से बड़े अगले दो मैच बेस्ट ऑफ थ्री होता इंडिया अगले दो मैच निकाल लेता, तो मैं कह रहा हूँ टूर्नामेंट इस तरीके से होना चाहिए कि भाई जो टीम ने सबसे ज़्यादा टीमों को हराया है चैंपियन वो है, एक मैच से डिसाइड नहीं होना चाहिए यार कि कौन चैंपियन है कौन नहीं है, वो तो इंसान हार जाता है अगले दो में से, मैंने बोला कि आगे दो मैच कराओ ये हार जाएंगे तो ये चैंपियन कैसे हो गए यार एक मैच से चैंपियन, क्रिकेट या क्रिकेट फेयर गेम होनी चाहिए जैसे फुटबॉल है, कोई बारिश हो रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कि हाँ भाई हवाएं चल रही तो बॉल थोड़ी अलग उसके लिए अलग होगी उसके लिए अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों
एक पॉइंट पे दोनों टीम्स ग्राउंड में साथ में होते हैं प्ले में। क्रिकेट में ऐसा होता है कि ये अब बैटिंग करेगा वो अब बैटिंग करेगा, तो इसलिए यह फेयर गेम होनी चाहिए। अगर सिंगल मैच का तुमने करना है कॉम्पिटिशन, नहीं तो फिर तीन मैच की सीरीज रखो यार, ये बनता नहीं ऐसा। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ यार। साउथ अफ्रीका जीत जाती ना अंदर खुशी होती है यार, अब यार साउथ अफ्रीका जीती है मैं खुशी खुशी। सेकंड बेस्ट टीम थी मेरी, दोनों बेस्ट टीम्स ऑस्ट्रेलिया जीत गई यार। लोग और कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल आ गया, दो मैच हार गई यार, क्या यार। एक टीम जो अफगानिस्तान से हारने वाली थी, मैक्सवेल के दो तीन कैच छूटे उसमें, हार जाती मैच, वो वर्ल्ड कप ले गई। क्या यार मजाक है यार, ये 4 साल इंतज़ार करो, साउथ अफ्रीका में होगा वो वर्ल्ड कप, क्यों नहीं इंसान जाएगा कि साउथ अफ्रीका जीते यार। उसमें भी देखना यही ले जाएंगे इंग्लैंड, कहीं कुछ क्या इंग्लैंड इंग्लैंड ना ले जाए, फिर तो भाई और ही गलत काम हो जाएगा। कोई नई टीम जीतनी चाहिए यार, उसमें इंडिया को चाहूँगा कि या साउथ अफ्रीका को चाहूँगा। अगला T20 वर्ल्ड कप है, मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली टीम में हो और विराट कोहली की वो जो T20 की ट्रॉफी है ना वो कंप्लीट हो जाए, कैबिनेट पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी विराट कोहली जीते। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड कप तो है विराट कोहली के पास, T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी है उसके पास, पूरा कंप्लीट हो जाए उसका। ऑस्ट्रेलिया को यार जो उन्होंने रखा ना लात ट्रॉफी के ऊपर, बहुत गंदा था। मैं चाहता हूँ कि आगे कोई ऐसी टूर्नामेंट ना जीते कि भी तड़पे, फिर समझ में आएगा इनको। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।